वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, महादेव ऐप मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंद्रभूषण वर्मा सतीश चंद्राकर की कोर्ट में पेशी होगी। इसके अलावा सुनील दम्मानी, रितेश यादव और राहुल बक्टे की पेशी की जाएगी। एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी। तो ये बड़ी खबर महादेव ऐप केस मामले से जुड़ी हुई, जहां आज 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, सुनील दम्मानी, रितेश यादव और राहुल बक्टे की आज कोर्ट में पेशी होगी। एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी और सभी 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हो रही है और जो पहले से गिरफ्तार आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी भी हो रही है। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, कितने बजे होगी ये 5 आरोपियों की पेशी और क्या समझ में आ रहा है? क्या और ज्यादा रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिले नहीं हैं? बिल्कुल मनु, देखिए देश के सबसे चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले पे एसीबी ओडब्ल्यू की जो जांच है वो तेज हो गई है और देखिए लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही है। यही वजह है कि राहुल वक्टे और रितेश यादव की गिरफ्तारी के बाद अब ये जो 3 और अन्य आरोपी थे उनको जेल से कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश किया गया था और जिनसे एसीबी ओडब्ल्यू की टीम ने पूछताछ को लेकर के रिमांड मांगी थी कोर्ट से, और कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद आज चूंकि रिमांड की अवधि जो है आज समाप्त हो रही है, तो इन 5 आरोपियों को आज फिर से एक बार कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कयास ये लगाया जा रहे हैं कि एसीबी ओडब्ल्यू की टीम और भी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि बहुत से और जानकारी जो है वो इन आरोपियों से जुटाना है। चूंकि देश में कहीं ना कहीं देश ही नहीं, चूंकि ये महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप सीधे तौर पे दुबई से संचालित होता है, जिनके जो ऑपरेटर हैं सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, इन तमाम आरोपियों के द्वारा पूरी तरह से देश के अलग अलग इलाकों पर इस ऐप का संचालन किया जा रहा था। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जब एक बड़ी कार्रवाई की गई तो रायपुर में जब गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद दुर्ग में गिरफ्तारियां हुई, फिर उसके बाद टीम जो है छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है अलग अलग राज्यों, चाहे दिल्ली की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों से कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद ईडी भी इस मामले में ईडी भी इस मामले पे आई और ईडी ने भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब चूंकि इस पूरी जांच ईडी के प्रतिवेदन के बाद एसीबी ओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद एसीबी ओडब्ल्यू की टीम भी जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। और देखिए आज इन तमाम आरोपियों को करीब 12 बजे के आसपास पेश करने की जो बात है वो निकल के आ रही है, और कयास ये लगाया जा रहा है कि इन्हें पेश करने के बाद एक बार फिर से एसीबी ओडब्ल्यू की टीम रिमांड मांग सकती है। जी ठीक है राजेश, इस पेशी पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ।